नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाहर स्पिनिंग मिल कंपनी के बारे में। इस कंपनी में जिस हिसाब से करेक्शन चलते जा रहा है, क्या स्टॉक में अपॉर्चुनिटी है, क्या स्टॉक में स्विंग ट्रेड में पैसे बन सकता है, क्या स्टॉक में से निकल जाना चाहिए या तो फिर होल्ड करके रख सकते हैं, कंप्लीटली इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद इंटरेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का यहाँ पे 1980 को कंपनी का यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। उसके बाद में कंपनी का अगर हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए हम अगर देखते हैं तो कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी कॉटन यार्न बनाती है, जो कि रुई से जो कॉटन बनता है वो कॉटन कंपनी बनाती है। उसी के साथ में अगर आप देख उसके लिए हम अभी कंपनी का वेबसाइट पे भी जाने की कोशिश करेंगे। कंपनी का वेबसाइट जब देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट पे अगर आप जाएंगे तो कंपनी यार्न बनाती है, जो कि यहाँ पे धागा होता है। उसी के साथ में टेक्सटाइल का प्रोडक्ट भी बनाता है, उसके साथ में गारमेंट का प्रोडक्ट भी बनाता है। ये सारे कंपनी की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रहा है 291 चल रहा है, और यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे 445, और कंपनी का आरओसी देखिए कितना बेहतरीन, कंपनी का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% का है, जो कि बहुत बढ़िया है। स्टॉक का पी अभी देखिए 2.78 पी पे स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि बहुत एक अच्छा सा वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी चल रहा है। उसी के साथ में अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, 0.27 डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब यहाँ पे कंपनी का ऊपर इतना ज़्यादा लोन भी नहीं है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस की करेक्शन की, यहाँ पे देखिए 692 स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 291 पे। मैं क्यों हमेशा कंपनी का फंडामेंटल के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी का फंडामेंटल अगर किसी भी स्टॉक को सपोर्ट करता है, अगर आपको सही टाइम पे अगर मिलता है वो स्टॉक, एक करेक्शन पे मिलता है, एक सही लेवल पे मिलता है, तो आपको वो स्टॉक कंसिडर करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये फिलोसफी मैं यहाँ पे इस हिसाब से मैं लेके चलता हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके मेरा ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करे। आपको अगर सही लगता है तो फॉलो कीजिए, अगर आपको सही नहीं लगता है तो फिर बिल्कुल यहाँ पे देख के अगर आपको सही नहीं लगता है बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल सेम हो, लेकिन इसी हिसाब से अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, यहाँ पे कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट रेंज पे जाके देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे प्रमोटर ने यहाँ पे स्टेक भी इंक्रीज किया, अगर आप देखेंगे 1.5% का यहाँ पे कंपनी ने स्टेक इंक्रीज भी किया है। तो उसी के साथ में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का कैपेक्स प्लान भी है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कंपनी का 7 स्पिनिंग प्लांट भी देखने को मिलता है, जो कि पंजाब में, मध्य प्रदेश में, और यहाँ पे सारे इनका स्पिनिंग प्लांट्स भी देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी यहाँ पे देखिए, कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी का अगर आप देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कंपनी का ये जो रेवेन्यू देखने को मिलता है फ्रॉम एक्सपोर्ट टू USA, UK, फ्रांस, ब्राज़ील, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये सारे, जापान, कनाडा, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, इजिप्ट, रूसिया, तो हर एक जगह में कंपनियां का क्लाइंट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो उसी के साथ में कंपनी का अगर मेन क्लाइंट के बारे में बात करेंगे तो कंपनी सप्लाई रिपोर्टेड इंटरनेशनल ब्रांड सच एज गैप, आरओ, ओल्ड नेवी, और उसके साथ में बनाना रिपब्लिक के चाप्स, ये सारे कंपनी का मेनली ब्रांड है। उसके साथ में कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, यहाँ से 90% का रेवेन्यू आता है, उसके साथ में क्रेडिट गारमेंट से यहाँ पे 10% का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिलता है। उसी के साथ में कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी करेंगे, कंपनी का यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को स्टडी करने में एक चीज मुझे नजर आ रहा है, कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखिए 657 करोड़ का कंपनी के पास में सेल्स है, जो कि अगर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखेंगे सेल्स में एक डिक्लाइन नजर आया है, जो कि 843 करोड़ का सेल्स था, तो यहाँ पे 657 हो चुका है। तो उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन में नजर आया है, जो कि यहाँ पे अगर लास्ट 2-3 क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे 158 था, उसके बाद में 107 हुआ, उसके बाद में 72 हुआ, उसके बाद में 40 है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रहा है कि कंपनी का यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है डिक्लाइन जा रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, कंपनी का यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, लास्ट 4 क्वार्टर में 377 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में लास्ट 4 क्वार्टर में अगर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, 3532 करोड़ का कंपनी के पास में सेल्स देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे, कंपनी ने यहाँ पे लास्ट 3 साल में 93% सीजीआर रिटर्न कमा के दिया है, जो कि बहुत एक मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दिया है। अगर उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके, कंपनी का जो रिजर्व है यहाँ पे 1589 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने को मिल रहा है, जो कि शानदार है। उसके साथ में कंपनी के पास में बोरोइंग के बारे में अगर बात करेंगे, 436 करोड़ का कंपनी के पास में बोरोइंग है, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी ने यहाँ पे लोन भी पेमेंट किया है, जो कि
1000 करोड़ से 400 करोड़ तक आ चुका है, ठीक है ना। तो उसी के साथ में अगर हम लास्ट कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, कंपनी का यहाँ पे प्रमोटर यहाँ पे अपना स्टेक इंक्रीज करते जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पे 65.39 था, अभी यहाँ पे 66.31 हो चुका है। उसी के साथ में रिटेल पब्लिक के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे जो 32% का स्टेक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे अराउंड 6% अगर निकल जाता है तो अराउंड 26% का होल्डिंग बिलो 1% जो कि रिटेल के पास में देखने को मिल रहा है। उसी के साथ में अगर हम चार्ट पैटर्न में आके देखेंगे फ्रेंड्स, मुझे कुछ नज़र आ रहा है चार्ट पैटर्न में बहुत अच्छा सा पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना, देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों मूविंग एवरेज को देखिए, तीनों के तीनों मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ में अगर आप देखते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे तेजी देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखेंगे कुछ दिन से स्टॉक में एक गिरावट आ रहा है, लेकिन गिरावट आने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो रेंज है ना, वो रेंज को बहुत बढ़िया से रिस्पेक्ट किया। अगर आप देखेंगे तो उसी रेंज के अंदर में ही है स्टॉक, यहाँ पे ये जो सपोर्ट है तोड़ के मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक तेजी भी देखने को मिला था, देखिए यहाँ पे एक तेजी भी देखने को मिला था, और यहाँ पे जो 50 डेज का मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जा चुका था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट हो चुका है। तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि स्टॉक में एक फॉल आ सकता है, और कहाँ तक आ सकता है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है तो इसी लेवल पे एक बार सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि इस लेवल से लेके 275 से लेके स्टॉक यहाँ पे 263 का रेंज तक आ सकता है, ठीक है। तो इसी रेंज तक आ सकता है। आपको अगर बाइंग करना है, आपको अगर इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको इसी लेवल के अंदर में आपको पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बार बार इस चीज़ का रिपीटेशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हैं ना, एक सही लेवल पर पोजीशन बनाना बहुत ज़रूरी है, सही लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट बुकिंग सही टाइम पर नहीं करेंगे, स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है, फिर आप फंस के रह सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार कि आपको सही लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, क्योंकि किसी स्टॉक में एक सही लेवल तक जाके वहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ मंथ्स पहले वीडियो बनाया था, जो कि आप देख सकते हैं 5 मंथ्स पहले, जो कि यहाँ पे बजाज होल्डिंग के बारे में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4472 के पास में चल रहा था। और ये कौन सा डेट था, डेट भी आपके सामने बताता हूँ, जून 18 तारीख को, ठीक है। जून 18 तारीख को हम जाके देखते हैं, जून 18 तारीख को हमने बताया कि स्टॉक में अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। जून 18 तारीख को देखिए कौन सा लेवल पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था, देखिए जून 18 तारीख को अगर आप देखेंगे स्टॉक यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रहा था 4400 के लेवल पे, और वहाँ पे मैंने बताया था कि ये स्टॉक का जो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है 6500 का लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, 6557। वो स्टॉक इस लेवल तक गया, हम उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए, जो कि 80 डेज के अंदर में हमें 45% का गेन मिला है। फ्रेंड्स हमेशा मैं बात करता हूँ, आप सभी को हमेशा बताता हूँ, जो मेरा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से मैं चलता हूँ, मुझे 3 साल में पैसे डबल करना है, मुझे कोई 1 साल में पैसे डबल करने के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। मुझे स्विंग ट्रेड में अगर 1 साल में 24% से 30% का गेन मिल जाता है, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे कोई यहाँ पे हर साल में पैसे डबल करने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लालच के साथ में स्टॉक मार्केट में मेरा यहाँ पे ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमने सेल करने के बाद में स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिला 12% तक का। वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आना चालू हो गया कि सर हमने तो स्टॉक सेल कर दिया, उसके बाद में तेजी आ गया, हमारा तो लॉस हो गया 12%। क्या लॉस हो गया, हमारा जो टारगेट था तो हमने यहाँ पे 45% कमा लिया, तो और क्या हमारा लॉस हो गया, तो हमें क्या मतलब स्टॉक मार्केट में हमें ही पूरा रिटर्न लेना है क्या, तो हम सेल करने के बाद में स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा क्या, हम बाय करने के बाद स्टॉक नीचे नहीं जाएगा क्या, ऐसा कोई थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो वहाँ पे सेल करने के बाद में देखिए स्टॉक काफ़ी दिन तक कंसोलिडेशन में जा रहा है, अभी टाइम कंसोलिडेशन लगाता है, तो इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 92 डेज हो चुका है, हमें 80 डेज का अंदर प्रॉफिट मिला, और यहाँ पे 92 डेज का करेक्शन जा चुका है। तो ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, हमें एक सही टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ अगर सीख के करेंगे ना, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये दो रास्ता है, आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देखिए, ये सारा वीडियो देख के आप अच्छे से सीख सकते हैं कौन सा टारगेट पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, या तो फिर सारा एक चीज़ को सीख के अगर करना चाहते हैं मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के साथ में आप मेरे साथ में जरूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो टारगेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बाइंग जोन बनेगा 263 से लेकर 275 का, और यहाँ पे जो टारगेट बनेगा ये टारगेट आपका यहाँ तक आप लेके चल सकते हैं, जो कि रिसेंट हाई है, रिसेंट हाई यहाँ पे
रिसेंट में हाई यहाँ पे 377 है, ठीक है। आपको 377 का लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसी वॉल्यूम के साथ में वहाँ तक गया है, तो इसका मतलब आपको उसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है जो कि 377 है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 200 डे का मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा, तो आपको उसी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है 377 के पास में। अगर आप उस वहाँ तक का अगर आप पोजिशन बना के रखते हैं, देखिए कितना परसेंटेज का आपको गेन मिलेगा, तो आपको सीधा सीधा 37% का गेन मिल रहा है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो 37% की बात करते हैं ना, तो कभी 3 मंथ्स में भी मिल सकता है, कभी 6 मंथ्स भी लग सकता है, कभी 1 साल भी लग सकता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं 3 मंथ्स के अंदर मुझे मिल जाएगा, अगर आपको 6 मंथ्स तक स्टॉक चला नहीं, 1 हफ्ते के अंदर 37% का रिटर्न देगा, तो ये साइकोलॉजी के साथ में आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना है। ऐसा नहीं कि आपने मतलब आपको अगर 6 महीने तक स्टॉक नहीं चला तो आप सेल करके निकल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी स्टॉक को अगर हमने फंडामेंटल के साथ में चूज किया है तो मुझे लगता है हमें बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे तो ही पैसे बनेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ में आपको चलना चाहिए, इसी टारगेट की प्राइस में आपको प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है एक बढ़िया सा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सअप का ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मेरे साथ में कनेक्ट होकर बढ़िया से स्टॉक मार्केट में ग्रो कर सकते हैं और हर एक 3 साल में पोर्टफोलियो डबल हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।